हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना एप्लीकेंट्स लिए, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स लिए, जिहड़े ऑफशोर ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफशोर ने ते वाया सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहे हैं। जो सिंगापुर दे विच तुहाडा ट्रांजिट है या स्टॉप ओवर है या फ्लाइट चेंज हो रही है, दैन यू नीड टू मेक श्योर कि तुहाडे फोन दे विच इदां दा कोई एविडेंस ना हो जिहड़ा क्लीयर करे कि तुसीं ओवर 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम कर। रीसेंट एक हफ्ते दे विच असीं तीन केसिज इदां दे देखे, दो केसिज इदां दे सीगे जिहदे विच एप्लीकेंट दे फोन दे विच ही एविडेंस सीगा कि उन्हां दे इनवॉइस सीगे जिहड़े मोर दैन 48 आवर्स दे सीगे या प्ले स्लिप सीगियां दैट वॉज मोर दैन 48 आवर्स, एंड ऑलसो उन्हां दे बैंक अकाउंट दे विच ही एक सबसटेंशियल अमाउंट एज अ पे पर वीक या पर फोर्टनाइट उन्हां दे अकाउंट चल रही सी। इन्हां दोनों एप्लीकेंट्स के वीजाज बॉर्डर पर ही कैंसल कर दिए गए एंड द डिपार्टमेंट डिड नॉट लैट दैम बोर्ड द फ्लाइट। तीजे केस के एप्लीकेंट नूं उहदी स्टडीज़ के बारे पूछा गया कि तुसीं अपनी स्टडीज़ छड के क्यों ओवरसीज ट्रैवल किया, तुहाडे कोई डेफरमेंट का या कोर्स अगे एक्सटेंड होने का कोई भी एविडेंस हैगा या नहीं हैगा। लकीली उस एप्लीकेंट ने डेफरमेंट लिती हुई सी, दे हैड द ईमेल फ्रॉम द कॉलेज, इनफैक्ट द डिपार्टमेंट कॉल द कॉलेज एज वैल टू डबल चैक कि एप्लीकेंट को डेफरमेंट हैगी या नहीं हैगी। उहदा एविडेंस आने तो बाद फाइनली दे लैट हिम बोर्ड द फ्लाइट। सो इफ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट वीजा होल्डर्स तो तुम ऑफशोर ट्रैवल कर रहे हो या वापस आ रहे हो, इनश्योर तुम अपने आप में इस चीज़ों के रिस्क ना पाओ, फोन के इदा का कोई एविडेंस ना रखो, अपनी कंडीशन ना ब्रीच करो, एंड कॉलेज तो डेफरमेंट लैके ही ओवरसीज ट्रैवल करो।